तो अब मैं बात करने वाला हूँ इंटरस्टेलर मूवी की। तो इफ़ यू रिमेम्बर द मिलर्स प्लैनेट। हाँ पूरा पानी पानी। हाँ तो अगर तुझे याद हो मिलर्स प्लैनेट एक्चुअली किसी स्टार का चक्कर नहीं लगा रहा होता, वो गार्गेंचुआ का चक्कर लगा रहा होता है। गार्गेंचुआ इज अ फिक्शनल सुपर मैसिव ब्लैक होल। अच्छा ओके। हाँ तो उसमें बोलते हैं कि 1 hour equals 7 Earth years। 7 years per hour here. Let's make it count. तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, मतलब इससे पता चलता है कि क्रिस्टोफर नॉलन कितने आगे की सोच के रखता है। जब वो मिलर्स प्लैनेट में उतरता है कूपर अपनी टीम के साथ, तो जब वो वहां पे जाते हैं मिलर्स प्लैनेट में, और मिलर्स प्लैनेट का बैकग्राउंड स्कोर में एक टिक 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 की आवाज आ रही होती है एवरी 1.25 सेकंड्स में। तो हर टिक का मतलब है कि अर्थ में एक दिन बीतता गया। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि टाइम डायलेशन की वजह से, बिकॉज टाइम इज रिलेटिव। तो जब वो अर्थ से निकलते हैं तो अर्थ से वो मिलर्स प्लैनेट के लिए वर्म होल में ट्रैवल करते हुए जाते हैं, तो उनको लगता है कि यार 20 something years बीत गए, 23 years बीत गए। तो अब उन्हें लगता है कि अब कहाँ मिलेगा मिलर हमें, लेकिन उन्हें उस प्लैनेट पे जाने के बाद पता चलता है ओ फक, मिलर को गए हुए सिर्फ 3 घंटे हो रहे हैं। टाइम डायलेशन। बट मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि ऑल्दो वो मूवी बहुत ज्यादा साइंटिफिकली एक्यूरेट है, बट ये साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि अगर किसी ब्लैक होल का चक्कर कोई प्लैनेट काट रहा होगा तो उसमें नहीं उतर सकते, यू विल बी क्रश्ड। ये ऐसा है fact. उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। बट ये पॉसिबल हो सकता है, अगर तुम उतर सको और कोई प्लैनेट बहुत ज्यादा क्लोज है किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के, तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से एक्चुअली टाइम और स्पेस वॉर्प हो जाएगा। तो एक्चुअली इट इज पॉसिबल कि तुम एक प्लैनेट में और वहां पे तुम हर एक दिन बिताओगे, व्हिच इज इक्वल इयर्स। सब कुछ जो ऑन पेपर अगर ये रियलिटी में आए एक दिन, तो क्या भाई साहब क्या मजा। राइट। तो अभी हम मिलर्स प्लैनेट की बात कर रहे थे कि वाटर से कवर्ड था, लेकिन स्टिल वो बहुत ज्यादा शैलो वाटर था, क्योंकि इफ आई रिमेम्बर उसमें चल पा रहे थे वो लोग। हाँ, काफी शैलो वाटर था। ऐसे भी एक्सोप्लैनेट्स मिल चुके हैं, उन 5,000 exoplanets में से ऐसे भी एक्सोप्लैनेट्स मिल चुके हैं जो कि कंप्लीटली वाटर से कवर्ड है, एटलीस्ट ये पूरा लाइक एक ओशन वर्ल्ड, पूरा ऐसा एक पूरा ओशन वर्ल्ड। और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सब सरफेस ओशियंस, लाइक उनके सरफेस में ओशियंस है। हाँ नहीं, पूरा एकदम माइल्स बिलो। एक्चुअली ये जो बोला गया कि वाटर वर्ल्ड है, ये कंफर्म नहीं है। अर्थ के सिवा कोई भी ऐसी जगह नहीं है पूरे के पूरे नोन यूनिवर्स में, या फिर जितने भी कैटलॉग है हमारे पास 5,000 exoplanets का, कोई भी ऐसा कंफर्म्ड प्लैनेट नहीं है जिसपे सरफेस लेवल पे स्टेबल वाटर बॉडीज हो। सरफेस लेवल पे? हाँ, स्टेबल वाटर बॉडीज। ऐसा हो सकता है कि साल के कुछ महीने उस पर वाटर होता हो, जम जाता हो कहीं पे, मतलब वाटर और मतलब हो जाता हो प्रेशर की वजह से भी वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता हो, लेकिन स्टेबल वाटर बॉडीज अर्थ के सिवा आज तक साइंटिस्ट को कहीं पे नहीं मिली। अब तुम सुपर अर्थ बोल लो, सब अर्थ बोल लो, ये जो भी हमने नाम दे रखे एक्सोप्लैनेट्स के, ऐसा कोई भी नहीं मिला है। ये है सुपर सैटर्न निकनेम दिया हुआ इसे। ये असल में इसका ऑफिशियल नेम है J1407b। ओके। और ये है असल में द रियल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये प्लैनेट। The real Lord of the Rings. हाँ, अब जब मैं सैटर्न को देखता हूँ ना इसके डिस्कवरी के बाद, मुझे इतना ऑर्डिनरी और इतना फीका लगता है वो, क्योंकि इसका रिंग सिस्टम हमारे सैटर्न से 200 times bigger है।